हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योत्सना, मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स में आप सबका स्वागत है। इस फेस्टिवल के शुभ अवसर पर शुरुआत करते हैं मीठे से और बना लेते हैं पेड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ मैं आपसे जुड़ू, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके एक सब्सक्राइब से मैं इनकरेज होती हूँ, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। गाइज, अगर आप मावा बनाना चाह रहे हैं तो फुल फैट क्रीमी मिल्क लें। मैं 2 लीटर से मावा बना रही हूँ। इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है। गाइज, मावा बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि दूध के ऊपर मलाई नहीं पड़ने देना है और न ही इसे पैन में चिपकने देना है। आप जब भी मावा बनाएं, मोटी तली का पैन यूज में लाएं। इससे होगा क्या कि मावा पैन में चिपकेगा नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दे सकूंगी, क्योंकि थोड़े समय में बहुत सारी रेसिपी बतानी है। हमारा व्हाइट मावा बनकर तैयार है, तो फ्लेम को बंद कर देते हैं, फिर इसे ठंडा होने को छोड़ देंगे। मावा ठंडा हो चुका है तो मैं इसमें 200 ग्राम भूरा ऐड कर रही हूँ। आप भूरा की जगह शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। भूरा ऐड करने के बाद 2 मिनट और इसे कुक कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जो पेड़ा बनेगा, इसका टेक्सचर, इसका कलर, इसका टेस्ट बिल्कुल मथुरे का पेड़ा जैसा होगा, जैसा कि आप मार्केट में खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट, वैसा ही टेक्सचर का होगा। वाओ गाइज, आप देख सकते हैं मावे के टेक्सचर को। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं, फिर मैं इसे प्रांत में ट्रांसफ़र कर लूँगी। 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने को छोड़ देंगे, जिससे कि ये थोड़ा और ठीक हो जाए। फिर मैं इसे पेड़े का शेप दूँगी। थोड़ा सा मावा लें, बॉल बनाएं, फिंगर से थोड़ा सा फैला लें। कोई सा भी आप क्वाइन ले सकते हैं, 1, 2, 5 या फिर 10 का। मैं 10 के क्वाइन से बना रही हूँ। इसे सेंटर में रख लें, फिर इसे फिंगर से लाइटली प्रेस करें। इसी तरह से मावा लें, बॉल बनाएं, फ्लैटन आउट करें, क्वाइन से प्रेस करें। इसी तरह से सारे पेड़े को बना लेना है। वाओ, लुक एट दैट, हमारा पेड़ा बनकर तैयार है। नेक्स्ट में हम लोग हल्दीराम की जैसा मूंग दाल नमकीन बनाएंगे। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल चाहिए मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए। मूंग दाल खरीद रहे हैं तो आप बड़े साइज का दाना वाला मूंग दाल खरीदें, इससे नमकीन परफेक्ट बनेगा। और हाँ, मूंग दाल का कलर लाइट येलो होनी चाहिए, ये पहला टिप्स है। ये 200 ग्राम मूंग दाल है गाइज, इसे अच्छे से वॉश करना है। दाल के ऊपर हल्की पीली कोटिंग रहती है, इसे 4 से 5 पानी से धोकर हटा लेना है। फिर इसे सोक करने के लिए छोड़ देना है 6 से 7 घंटे के लिए। दूसरा टिप्स ये है कि जितना अच्छे से दाल फूलेगा, उतना ही सॉफ्ट नमकीन बनेगा। 1-2 घंटा अगर फुलाकर आप इसे डीप फ्राई करेंगे तो आपका जो नमकीन है खिला खिला और सॉफ्ट नहीं बन पाएगा। 3 घंटे बाद फूलकर ये बॉल के ऊपर आ गया है, तो मैं इसे बड़े से बॉल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। 7 घंटे हो गए हैं, मैं इसे 1-2 पानी से और अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अब इसे स्टैंड कर लेना है, जिससे कि पानी निकल जाए। 15 मिनट के लिए स्टैंडर में ही छोड़ देना है। इसके बाद इसे कॉटन कपड़े पे अच्छे से फैला देना है गाइस। इसे धूप में नहीं डालना है, पंखे की हवा में छोड़ना है 1/2 से 1.5 घंटे के लिए। ऐसा करने से होगा क्या कि इसमें जितने भी एक्सेस मॉइस्चर है निकल जाएंगे। एक्सेस मॉइस्चर निकलने के बाद इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ये रेडी है डीप फ्राई करने के लिए। डीप फ्राई करने के लिए मैं रिफाइंड तेल यूज कर रही हूँ। तेल को मीडियम गर्म करेंगे, 1 दाना डालकर चेक कर लेंगे। जब दाल तेल के ऊपर आ जाए तो बाकी दाल को डालकर डीप फ्राई कर लेंगे। मैं स्टीरर में डालकर डीप फ्राई कर रही हूँ। इससे होगा क्या कि तेल जो है गंदा नहीं होगा और दाल भी इजीली निकल जाएगा। मूंग दाल डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है, जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो सके। इसे बहुत गर्म तेल में फ्राई नहीं करना है, ना ही कम गर्म तेल में इसे डालना है। जब तेल कम गर्म होगी तो आपका नमकीन जो है खिल नहीं पाएगा और कड़क भी बनेगा, और ज़्यादा गर्म होगी तो ये जल जाएगा। मैं डायरेक्ट दाल को तेल में डालकर दिखा रही हूँ। इस प्रोसेस से दाल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए दाल को डीप फ्राई कर लेंगे। परफेक्ट, तो हमारा मूंग दाल नमकीन बनकर तैयार है। लग रहा है ना बिल्कुल हल्दीराम का मूंग दाल नमकीन के जैसा। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे तेल जमा हो गया है। इसमें टेस्ट देना बाकी है, तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा कुछ
तो इसमें डाला नहीं जाता है? जाता है। वाओ, लुक एट दैट। तो हमारा परफेक्ट मार्केट की जैसा खिला हुआ सॉफ्ट क्रंची क्रिस्पी मूंग दाल बनकर तैयार है। इस होली पर आपको भाकरपरी हल्दीराम या हरीराम से खरीदने की जरूरत नहीं है, वही टेस्ट वैसा ही टेक्सचर का भाकरवरी इस बार हम लोग घर में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने 200 ग्राम मैदा लिया है, 50 ग्राम बेसन है। मैदे में बेसन को ऐड करेंगे, इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, चुटकी भर हींग को ऐड कर लेंगे। भाकरवरी में हींग का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। सारे इन्ग्रीडियंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। मोइन में हमने 60 ग्राम मेल्ट घी लिया है, आप तेल भी ऐड कर सकते हैं। मैदे तेल को जितने अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा हमारा भाकरवरी उतना ही सॉफ्ट और खास्ता बनेगा। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नेट करेंगे। इसे मसलते हुए इसका टाइट डो लगाना है। डो रेडी है तो आधे घंटे के लिए ढककर इसे रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी की तैयारी कर लेते हैं। ये है भाकरवरी के स्टफिंग खड़े मसाले। खड़े मसाले में हमने लिया है हाफ वोल डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल बुरादा। डेसिकेटेड कोकोनट की जगह आप सूखा नारियल भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने 3 टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है। नेक्स्ट में 2 टेबल स्पून उजला तिल को भी हमने ऐड किया है। 1 टेबल स्पून खड़ा जीरा है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, तो 1 टेबल स्पून हमने खसखस को भी ऐड कर लिया है। अब इन मसालों को रोस्ट करना है। इन मसालों को ज़्यादा नहीं भुनना है गाइज, इतना भुनना है कि इसका कच्चापन चला जाना चाहिए। कच्चे मसाले की अपेक्षा अगर भुने हुए मसाले आप डालेंगे तो देखिएगा उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। हमारा मसाला भुन चुका है तो फ्लेम को बंद कर देते हैं, फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में चलेंगे। मसाला जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो एक मिक्सर जार लेंगे, जार में इन मसालों को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी जार में 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर को भी ऐड कर लेंगे, 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर को भी डालेंगे। चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट अकॉर्डिंग माइनस प्लस कर लें। थोड़ा सा हमने हींग को भी शामिल किया है, 1 टी स्पून आमचूर पाउडर को भी हमने ऐड किया है। स्वादानुसार नमक डालेंगे, मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून शुगर को भी हमने ऐड किया है। इसे ग्राइंड करना है। हमारा पाउडर भी बनकर तैयार है, स्टफिंग तैयार है, आटा भी रेस्ट कर चुका है। आटा को निकाल कर थोड़ा और नीट कर लेते हैं जिससे कि और स्मूथ हो जाए। 2 मिनट इसे पाम की हेल्प से मसलते हुए नीट करेंगे। डो हमारा चिकना हो गया है तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। अब एक बॉल को हम उठाएंगे और चिकना बॉल बनाएंगे, फिर इसे फ्लैटन आउट करेंगे, फिर इसे बेलन की हेल्प से बेल लेंगे। इसकी थिकनेस रोटी से थोड़ी मोटी रखनी है। इसके एजेस को काट के हटा लेना है। मैं इसके ऊपर इमली की चटनी फैला रही हूँ। इस चटनी को हर तरफ अच्छे से फैला लेना है। आप देख सकते हैं हमने चटनी को हर तरफ फैला लिया है। अब चटनी के ऊपर मसाले को भी ऐड कर लेंगे। मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच ही डालना है। इसे हर तरफ फैला लेंगे। अब इसे फोल्ड करते हुए रोल बना लेंगे, इसे दबाते हुए रोल करना है। लास्ट के एजेज अगर अच्छे से स्टिक नहीं हो रहे हैं तो इसमें पानी लगाकर चिपका लें। आगे और पीछे के साइड को हम काट कर हटा लेंगे। फिर आप इसे बड़े छोटे जैसा साइज में कट करना चाहते हैं काट लें। गाइस इसके प्रत्येक लेयर को देखिए, है ना परफेक्ट। अब करना कुछ नहीं है, बस थंब से इसे प्रेस करते जाएं। इसी तरह से बाकी बचे हुए को भी बेल लेंगे। अब इसे डीप फ्राई करना है। इसके लिए एक फ्राई पैन लेना है, इसमें तेल डालेंगे, तेल को मीडियम गर्म करना है। फ्लेम को पहले हाई पे रखेंगे और जैसे ही तेल मीडियम गर्म हो जाए तो फ्लेम को हम लो पे कर देंगे। एक एक करके भाकरवरी को तेल में डालते जाना है जितना कि ये तेल में आ सके। इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ये जितना देर लगेगा पकने में उतना ही सॉफ्ट और खास्ता बनेगा। दूसरे साइड में इसे टर्न कर लेंगे। स्लो डीप फ्राई करने से सॉफ्ट क्रंची क्रिस्पी तो बनेगा ही, साथ में इसका कलर भी बहुत ही सुंदर आएगा। हाई फ्लेम में अगर कुक करते हैं तो जला हुआ दिखेगा और अंदर से कच्चा भी रहेगा। ये डीप फ्राई हो चुका है गाइस, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बढ़िया आया है। ये अंदर तो कुक हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट क्रंची और क्रिस्पी बना है। इसी तरह से बाकी बचे हुए भाकरवरी को भी डीप फ्राई कर लेंगे। तो गाइस है ना सुपर। तो चलिए नेक्स्ट रेसिपी बना लिया जाए।
गाइज ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्टफ लड्डू है। मैं इसे मूंगफली से बना रही हूँ। 300 ग्राम मूंगफली है। इसे रोस्ट करना है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो चुका है। सबसे पहले इसे पील करना है। इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर तैयार करना है। पाउडर तैयार है। 300 ग्राम पीनट पाउडर है तो हमने 125 ग्राम शुगर लिया है। 60 ग्राम पानी है। एक पैन लेना है। इस पैन में पहले पानी को ऐड करेंगे, फिर चीनी को ऐड कर लेंगे। इसे शुगर सिरप तैयार करना है। 6 इलायची लिया है। हमें इसे एक या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है। सिरप तैयार है तो इसमें पीनट पाउडर को ऐड कर लेंगे। गाज इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है जिससे कि तली में चिपके नहीं। लड्डू में रिचनेस और शाइनिंग के लिए मैं इसमें 1 टीस्पून घी को ऐड कर रही हूँ। ये ठीक हो चुका है तो फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसे ठंडा होने को छोड़ देते हैं। ये है मावा। ये है पीनट पाउडर जिसे हमने थोड़ा सा रख लिया था। करना ये है कि थोड़ा सा पीनट डो लेना है, फिर स्मूथ बॉल बनाना है, फिर होल करना है यानी कि गड्ढा बनाना है। थोड़ा सा मावा लेना है, बॉल बनाना है, फिर होल में भरकर एजेज को जोड़ते हुए सील कर देना है। फिर बॉल को स्मूथ करते हुए गोल लड्डू बना लेना है। लड्डू में अमेजिंग लुक देने के लिए इसे कोटिंग करेंगे। इसे मैं पीनट पाउडर से ही कोट कर रही हूँ। आप इसे खसखस को रोस्ट करके कोट कर सकते हैं। खसखस का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। या फिर आप डेसिकेटेड कोकोनट से भी कोट कर सकते हैं। आप अपने चॉइस का कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से सारे लड्डू को बना लेना है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल पर बनाकर खाएं या फिर मेहमानों को खिलाएं। कोई कह ही नहीं पाएगा कि घर का बना हुआ लड्डू है। ये मठरी आपको बिल्कुल हल्दीराम की याद दिलाएगी। वही टेस्ट है, उतना ही खासता है। तो चलिए एक ही डो से दो तरह की मठरी बना लेते हैं, सिंपल और लेयर वाली। मठरी के लिए हमने 400 ग्राम मैदा लिया है। मोइन के लिए हमने 100 ग्राम मेल्ट घी लिया है। आटे में ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून दरदरा धनिया पाउडर, 1 टी स्पून बेकिंग सोडा। मोइन को आटे में डालकर मिक्स करना है। आटे में घी जितने अच्छे से ऑब्जर्व होगा हमारा मठरी उतना ही सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अजवाइन और इसका मेन इंग्रेडिएंट कस्तूरी मेथी। एक बार फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसका सॉफ्ट डो लगाना है। फिंगर से प्रेस करते हुए नीट करेंगे। डो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। डो को ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। 20 मिनट बाद फिर से डो को मिलाकर सॉफ्ट कर लेंगे। डो से छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। इसे फ्लैटन आउट करेंगे, फिर बेलकर इससे छोटी छोटी पुड़ियां का शेप देंगे। एक बार में हम 5 पुड़ी को तैयार करेंगे। इसकी थिकनेस 1/2 इंच से कम होनी चाहिए। अब करना यह है कि एक पुड़ी उठाएंगे, उसे तेल से ग्रीस करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा से डस्टिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा लेयर लेना है, तेल से ग्रीस करना है, फिर डस्टिंग करना है। तीसरा लेयर लेना है, तेल से ग्रीस करना है, डस्टिंग करना है। और इसी तरह से चौथा लेयर लेना है, ग्रीस करना है, डस्टिंग करना है। और लास्ट में 5वां लेयर डालकर ग्रीस करेंगे, फिर डस्टिंग करेंगे। हमें इसे थोड़ा पतला करना होगा। इसके लिए इसे बेलना है, फिर तेल से ग्रीस करना है, मैदे से डस्टिंग करना है, फिर फिंगर से दबाते हुए रोल बना लेना है। इसे घुमाते हुए लंबा और चिकना कर लेना है। अब दोनों तरफ के एजेज को काटकर हटा देना है और फिर इसे पीसेस में कट कर लेंगे। फिर एक पीस लेना है, लेयर वाले साइड को ऊपर रखना है, उंगली से लाइटली प्रेस करना है। आप चाहे तो इसे हल्का सा बेल भी सकते हैं। अब तेल गर्म करना है, तेल मीडियम गर्म होना चाहिए। गाइस आप इसके एक एक लेयर को देख सकते हैं। अब इसे तेल में डालना है, फ्लेम को लो पे रखेंगे जिससे कि ये अंदर तक कुक हो कर खास्ता बन सके। अब इसे दूसरे साइड में टर्न कर लेंगे। वाओ, हमारा मठरी लग रहा है ना मार्केट के जैसा। ये ब्राउन हो चुका है तो इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। गाइस अब सिंपल मठरी बना लिया जाए। थोड़ा सा डो को लेना है, फिर स्मूथ बॉल बनाना है, फिंगर से प्रेस करते हुए हल्का सा चिपटा कर लेना है। इसी तरह से सारे को बना लेना है। फिर सेम प्रोसेस से डीप फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे ही कुक करना है जिससे कि मठरी अंदर तक कुक हो जाए। एक साइड में लाइट ब्राउन हो गया है तो दूसरे साइड टर्न कर लेंगे। आप इसे स्टोर करके रख दें और फिर 2 माह तक खा सकते हैं। अगर कोई आपके यहाँ मेहमान आए और कुछ नहीं है तो आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा दोनों तरह की मठरी बनकर तैयार है।